पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जगदेव सिंह ने गोरखपुर बस्ती मंडल के अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों, प्रधानों एवं नगर पंचायत अध्यक्षों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके पंचायतों एवं नगरीय निकाय को कैसे सशक्त बनाया जाए इसके संबंध में सुझाव मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत एवं नगरीय निकाय को किस प्रकार से और सशक्त किया जाए इसके लिए सभी का सुझाव महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग के बारे में सभी का सुझाव आमंत्रित किया जा रहा है। आयोग द्वारा पंचायती राज के दायित्व एवं अधिकारों को और कैसे मजबूत किया जाए इस संबंध में केंद्रीय आयोग को राज्य वित्त आयोग अपना सुझाव देगा। इस अवसर पर आयोग के सदस्य राकेश चौबे ने भी आयोग के कार्यों के बारे में जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव, वत्सला शिवम सचिव राज्य पंचम वित्त आयोग, अपर आयुक्त बस्ती मंडल राजा राम, संयुक्त विकास आयुक्त मदन वर्मा सहित गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। सड़कों का आज की स्थिति में बहुत बुरा हाल जो नहीं बन पा रहे। जब केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा चौराहा विस्तार का आवागमन सुलभ कर लेते। दूसरी चीज यही होता है कि कच्चे कार्य राज्य वित्त आयोग से कच्चे कार्य की बजाय, ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, क्योंकि बारिश के मौसम में कच्चे कार्य मिट्टी में गिराए जाते हैं और वो जब बारिश होती है तो फिर ऊपर से टूट जाती है। यहाँ की सड़कें हैं उस हिसाब से बनाई जाए। तीसरी चीज सर, माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी लोग बैठे हुई है जिसमें ब्लॉक प्रमुखों को नहीं रखा जाता। ये जो है एक गंभीर मुद्दा है, क्यों हमको हम जो है बता सके इसके लिए सेशन के बारे में चर्चा किया कि किस हिसाब से क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत अपने आय में वृद्धि कर सकती है। तो सर जो लगे हुए हैं, जो आवास बने हुए हैं जिनका एचआरए दिया जाता है सरकारी कर्मियों को, वो वहां पे निवास करते हैं और उसका पैसा सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि वो जो उनका आचार्य आए उस पर जो भी जो उन्हें निवास करते हैं उनका वो दिया जाए, तो उसमें जो है उनके आय में वृद्धि हो सकती है उससे, जबकि उसके अनुरक्षण रख रखाव प्रकार पंचायतें ही करती है। पशु मेले हैं उनके तहबजारी की व्यवस्था लागू करके उससे वसूली की जाए और उससे भी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत की आय बढ़ सकती है। कोई ये नहीं बता रहा कोई अधिकारी कर्मचारी विकास नहीं किया, ये हमारी अपनी कथा, वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर मैं चाहूँ कि सेक्रेटरी का ट्रांसफर करा दो तो नहीं हो सकता, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि नहीं हो सकता, जबकि हम लोग भी जनता के निर्वाचित 2 लाख की आबादी के निर्वाचित प्रतिनिधि आना है, तो अधिकारों से मजबूत करना होगा। रह गई कि जैसा आपने कहा कि पैसा जो हम लोग देते हैं हम आपको ट्रांसफर कर दें, तो निश्चित रूप से अगर आप पैसा हमको देंगे तो हम उससे गांव की जनता जो है उनके स्तर को, उनके जीवन स्तर को उठाने का, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आवागमन की सुविधा हो, हम लोग बेहतर करेंगे उसके लिए। सदर का ब्लॉक है, 13 सफाई कर्मी रखे गए, 313 सफाई कर्मी, अगर 20,000 रुपया वेतन आता है तो 62,000 रुपये एक ब्लॉक में खर्च किया जाता है, पैसा दिया जाता है सफाई कर्मी महीने का। लेकिन अगर उनके अनुरक्षण और परीक्षण की व्यवस्था नहीं है इसके नाते वो आजकल नेतागिरी उतारू हो गए हैं और गांव की सफाई व्यवस्था में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उचित कोई साधन नहीं है। आप उनकी व्यवस्था देख लीजिए, गांव में कुछ नहीं करते हैं, राजनीति करते वो भी उनके परमिशन का काम उनका है लेकिन उसके बाद भी वो उनके ऊपर बेसिक चीज है सिंचाई का। अगर उनको जो है हमारे परीक्षण में रख करके अगर व्यवस्था बनाई जाए तो उसको भी हम राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जो नालियां पुराने समय बनाई गई हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और सिंचाई जैसे गांव में हमारे प्रधान जी लोग नालियां बनाते हैं और नाली बना करके उसका जो बेस्ट होता है पानी है, जो पानी निकलता है और जो छोटे छोटे गाँव में कचरे निकलते हैं वो चीजें गाँव की सफाई व्यवस्था को बहुत ही दूषित करती है। सफाई व्यवस्था ना होने के कारण जो पानी है वो कहीं ना कहीं रुकता है, जमता है और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां उससे होती हैं। सर मैं चाहता हूं कि उस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए छोटे प्लांट लगा दिए जाए, राजपूत में ऐसी व्यवस्था हो ग्राम पंचायतों में छोटे छोटे प्लांट लगा करके उनका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए और जो ठोस कचरे और अवशिष्ट निकलते हैं गाँव से, चाहे वो पानी के माध्यम से हो चाहे वो कचरे के माध्यम से हो, वो जो है उनका उनकी व्यवस्था बनाई जाए जिससे ग्रामीण जनता को निजात मिल जाए उससे और बीमारियों से बचा जा सके। भारत अभियान का भी एक हिस्सा है, सबसे बड़ी समस्या गाँव में यह आती है कि कचरे को लेके जाए। आपने ये बताया कि कचरे को रिसाइकिल करने के लिए छोटे छोटे प्लांट
चाहते हैं, अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई उसकी जानकारी हो मिनी प्लांट की सर जो और उनकी क्या दौर चलती है, क्या आपके एरिया में उनको लगाने के लिए जमीन उपलब्ध है। तो इसके बाद रिसाइकिल आइटम जैसे प्लास्टिक का रिसाइकिल होता है, प्लास्टिक वैल्यू, इसके बाद और जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है उससे कंपोस्ट बन, तो क्या उसके मार्केटिंग के या डिस्पोजल की व्यवस्था हो सकती है। हम इसको बहुत ही सहज स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये हमारा हम बहुत सारी चीज़ें तो आप डिस्पोज नहीं कर सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पर आज की ये बड़ी समस्या है, बीमारियों का कारण है, गंदगी का कारण गंदगी है, गंदगी का कारण डिस्पोजल ना हो। एक बहुत ही अच्छा बिंदु है, किसी और के भी दिमाग में अगर हो, जैसे एक आध चीज़ें हैं मुझे पता है कि 25 साल रुपये की आती है रिसाइकिल, अगर आपके पास कोई जानकारी हो, क्योंकि आपको जानकारी है तभी आपने ये बिल उठाया।